लॉर्ड्स शूज एंड बैग्स पेश करते हैं कंप्लीट कलेक्शन, सैंडल्स, शूज, हैंडबैग्स, ट्रैवल बैग्स भी, फैंसी डिजाइन, हाई हील्स, कैजुअल, ऑफिस वेयर, डेली वेयर। लॉर्ड्स शूज एंड बैग्स सेल्फ मैन्युफैक्चर है अफोर्डेबल प्राइस के साथ अप टू 50% डिस्काउंट। तो आज ही आए लॉर्ड्स शूज एंड बैग्स। गृह निर्माण मंत्री डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड जी के निर्देश पर और कमिश्नर साहब से उन्होंने मांगनी किए थे, जिसका पाठ पूरा हुआ, मुझे करने के लिए आदेश दिया था। महासभा से लेकर माननीय आयुक्त महोदय और माननीय महापौर महोदय से चर्चा करने के बाद आरोग्य विभाग की तरफ से हमको मेगा वैक्सीनेशन कैंप की मंजूरी देखिए, उन्होंने मुझे पत्र दायर किया विरोध विभाग कार्यालय में कि आपको हम लोग वैक्सीनेशन का 3 दिन के कैंप दे रहे, आप जगह सिलेक्शन करिए। इसकी जगह सिलेक्शन करने के लिए कौसा में शील कल्याण फाटा और दीवार को लोगों को नज़दीक करा जाए, इसकी जिम्मेदारी कौसा में एक जगह पे दोस्त अपार्टमेंट पे सेंटर लगाया जाएगा जो शमीम खान जी देखेंगे। मुमरा, रेती बंदर, बाकी कोई परिसर पे स्टेशन के लोगों को नज़दीक पड़ने के लिए शंकर मंदिर से लेकर अमृत नगर के ऊपर अमृत नगर नाके पे एक मेगा कैंप का अरेंजमेंट किया जाएगा। ये दोनों जगह पे 3-3 दिन के लिए मेगा वैक्सीनेशन कैंप है, जो कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों ही वैक्सीन फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज लोगों को दिए जाएंगे। आप लोगों से ये विनती है कि नागरिकों तक ये मैसेज पहुंचा दें ताकि हम वैक्सीनेशन हर घर के हर सदस्य तक ये पहुंचा दें। कितने कितने तारीख को लगेगी? 28, 29, 30 कितनी जनसंख्या है और कितना डोज लगाना है? देखिए, हमारी मंशा ये है कि ऐसी देखा जाए तो 2,70,000, लेकिन हमारी मंशा है कि लोग आखिरी तबके तक जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं लिए, जिनको कोई दिक्कत हुई भीड़ के नाते पहुंच ना पाए, तो वहां तक वैक्सीनेशन कैंप लोगों तक पहुंच। सुबह 9 बजे से लेकर रात 9 बजे तक, और बाकी सिर्फ सैटरडे के दिन सुबह 9 से रात 12 बजे। हाँ, मुमरा के कई मुमरा प्रभाग समिति के अंतर्गत कई नागरिकों को एक भय कि वैक्सीनेशन लेने से उनकी साइड इफेक्ट हो, लेकिन उनको ये आप हमारी तरफ से सूचना भी और विनती है कि हम सभी नगर सेवकों ने वैक्सीन लिए, MLA ने, हमारे CM साहब, हमारे PM साहब, सभी लोगों ने लिए, लेकिन इसके लिए उन तक ये जरिए पहुँचाने के लिए हमारे पास एक मात्र एक और चीज़ है जन जागरूक के लिए। हम मस्जिदों के इमाम और जो मंदिर और चर्च के पंडित और जो फादर रहेंगे उनके द्वारा भी अपील करेंगे, और ऐसा एक लेटर हम बना के उनको दे रहे विनती का, वो अपने जरिए भी बाइट और लेटर देके मस्जिदों में फ्राइडे के दिन, जुमा के दिन अनाउंसमेंट कराएंगे, ताकि लोगों तक जन जागरूक तक उनको मिल जाए कि भाई वैक्सीन लेने से कोई साइड इफेक्ट नहीं, बल्कि हम सेफ रहें। मतलब अवेयरनेस करेंगे वो मंदिर में, चर्च में, अवेयरनेस सब जगह। हम फ्राइडे के दिन जो खुतबा होता है उसमें हम ये अनाउंसमेंट कराएंगे, और जो पंडित जी मतलब जो है उनको भी बोलेंगे कि उनके अंदर जो बैठक होती है वो अपने जगह तक बोले, ऐसे सभी धर्म के लिए जो उनके आली में जो उनके समाज में रहते उन तक वो आखिरी लोगों तक वो बात पहुंचा दे और उनको कन्विंस करें कि आप वैक्सीन लें। ये 3 दिन में पूरा मुमरा में 100% वैक्सीनेशन हो जाएगा? हमारा संकल्प है कि हम 100% ये वैक्सीन मिलके सभी नगरों के साथ मिलके हमारे शमीम खान जी और जितेंद्र अवार्ड जी के साथ के निर्देश पे हम 100% वैक्सीनेशन कर देंगे। आज अपोजिशन लीडर ऑफिस में थाने महानगर पालिका के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब के आदेश अनुसार। इसमें सबसे अहम बात यह है कि मैं आवाम से ये कहना चाहता हूँ कि 28 तारीख यानी दिन जुमेरात, 29 तारीख दिन जुमा, 30 तारीख सैटरडे शाम यानी मॉर्निंग 9 बजे से लेकर के रात 9 बजे तक वैक्सीनेशन कैंप का आयोजित किया जा रहा है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी विधानसभा कार्यालय ऑफिस के ऊपर और तनवर नगर यानी पे, और सेकंड कैंप किया जा रहा है जो शानू भाई देख रहे हैं यहाँ पे शंकर मंदिर के पास, जो कि पूरा उस मुमरा का इलाका कवर करेगा और यहाँ से सिलफाटा से लेकर के पूरा कौसा इलाका कवर करेगा। ये हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब और कमिश्नर साहब का हम हमारे शहर के वासियों शहर की तरफ से जानिब की तरफ से हम शुक्रिया अदा करते हैं कि ये आज इतना एक बड़ा मेगा कैंप हमें करने का मौका मिला है। जी, ये बिल्कुल सही है कि मुमरा और कौसा में 28, 29 और 30 अक्टूबर ये 3 दिनों मेगा वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन हो रहा है।
इस आयोजन के पीछे डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड सर, शानू भाई, ये दो इम्पॉर्टेंट व्यक्तियों का मतलब उनमें सहभाग है। और मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले ये 28, 29 और 30 अक्टूबर को मुमरा और कौसा के ज़्यादा से ज़्यादा नागरिकों को दोनों वैक्सीन का फ़ायदा मिले। दोनों भी वैक्सीन उपलब्ध है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, दोनों डोज, फर्स्ट डोज और सेकंड डोज दोनों भी उपलब्ध है। ये वैक्सीनेशन सुबह 9 बजे शुरू होगा और रात को 9 बजे फिनिश होगा। कितनी वैक्सीन दी जा रही है? हमने मांग के हिसाब से हर दिन करीबन 7,000 से 8,000 वैक्सीन का वादा किया है, लेकिन इससे ज़्यादा लोगों को अगर वैक्सीन की आवश्यकता है तो सारा वैक्सीन वहाँ उपलब्ध कराएंगे। कितनी